नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। 10 बजे दशहरा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। नामधारी समुदाय की माता चंद कौर जी का लुधियाना के भैनी साहब में देहांत हो गया। उन पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई थी। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार दो युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कल सुबह 11 बजे माता जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रोजाना की तरह माता चंद कौर भैनी साहिब गए थे, लेकिन भैनी साहिब में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया, क्योंकि बाइक सवार दो नौजवानों ने माता चंद कौर पर जानलेवा हमला किया। वारदात सुबह करीब 10 बजे की है, जब सतगुरु जगजीत सिंह की पत्नी माता चंद कौर डेरा भैनी साहिब के पिछले हिस्से में मौजूद थी और वहां से एकेडमी जाने के लिए गाड़ी में बैठी। तभी दो बाइक सवार नौजवान वहां आए और उन्होंने माता जी को प्रणाम किया और देखते ही देखते एक शख्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावर ने 3 गोलियां चलाई, जिनमें से 2 गोलियां माता जी को लगी। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। वारदात के बाद गंभीर हालत में माता जी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका देहांत हो गया। माता जी हमारे सतगुरु प्रताप सिंह का एकेडमी है, वहाँ नमा सेशन शुरू होना था, उसके वो वापस आने लगे तो बाहर 2 मोटरसाइकिल वाले थे और एक ने आके नीरेस्ट आके गोली मार दिया, जो हार्ट के नीचे लगी, एक सिर पे लगी है। तो उसके बाद एकदम वो भाग गया मोटरसाइकिल पे थे, बॉडी हॉस्पिटल लाए, यहाँ बहुत कोशिश किया तो वो अभी डिक्लेयर है, डेड हो गई है। 2 नौजवान सी, पेंट शर्ट पाई सी, केसधारी सी, उन्होंने रुक के नमस्कार करनी चाहिए। उन्होंने गड्डी सेव करतार सिंह जी जो कि क्लब कार जा रहे सी उन्होंने ड्राइव कर रहे सी, उन्होंने जो गड्डी रोकी कि उन्होंने नमस्कार की नाल ही रिवाल्वर नाल फायर कर दिता जी। एक पेट च लग्या जी, एक कह रहे ने जो मौके पर भी कन्न ते कोल भी लगी है जी। पुलिस ने मौकाए वारदात का मुआयना करने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हो सका है कि आरोपी कौन थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। सवेरे तकरीबन 10:30 बजे माता जी इत्थे स्कूल दे विच राउंड लाउन आए सीगे, क्योंकि अज स्कूल दी शायद ओपनिंग हुई सी पहले दिन, इस करके उन्होंने बुलाया गया सी। वो इत्थे 15 मिंट ठहर के जदों जाण लगे ते इस गेट तो बाहर जो गया तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल दे उत्ते जेडे सिख नौजवान सीगे उन्हें उन्होंने गोलियां मारियां ने। गोलियां मार के वो टूवर्ड नॉर्थ वो इतों दौड़ गए ने, ते असी मौके ते आ गए सारा कुछ देख के, ते हुण इहदी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी फरदर कर रहे हैं। अजे तक कोई सानू क्लू नहीं हैगा, लेकिन असी जल्दी इस केस नू सॉल्व करन दी कोशिश कर। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त उनके साथ कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या आरोपियों को इस बारे में पहले से ही पता था। सवाल ये भी है कि इस वारदात के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। वही नामधारी सभा के प्रधान HS हंसपाल सिंह का कहना है कि पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं। उन्होंने सतगुरु जी की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। हाँ, पीछे बम ब्लास्ट होया, बंदा मरिया है। उन्होंने अपना मोटिव दसे कि क्यों कितने ही बम लेके जा रहे थे, कादे वास्ते बम बनो को है सन। एक चलिया उन्हें बंदा मर गया, 2 बम उन्हें को फड़े गए, सरकार ने बरामद किए। बंब जो चलता है तो बंब चलना ही एक गल नहीं होंगी, ये देखिए सरकार ही देखती है, पुलिस ही देखती है कि बंब आए कितों, कितों होर बंब तो नहीं होते है। फिर जो वो पता लग गया फिर अगो पुलिस ये देखती है कि बंब बनाने वास्ते मसाला कितों आया, तो वो कोई गल हुई नहीं है, अज तक कोई गल सामने आई नहीं है। सतगुरु जी नाल भी जिनी चाहिए उन्नी तो नहीं है, सतगुरु जी नाल तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा चाहिए। जिस तरह सरकार की Z होंगी है, Z प्लस होंगी है, तो घट को Z कैटेगरी सतगुरु जी ने बहुत जरूरी है, लेकिन इतने सरकार के पैरामीटर से सरकार दिया अपने तरीके ने सारे आख्या भी कई बारी, लेकिन कोई वो ध्यान नहीं देते। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने माता चंद कौर जी के देहांत पर दुख जताया है। उन्होंने पंजाब के DGP को सख्त हिदायतें दी हैं कि
आरोपियों को जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं माता चंद कौर जी पर हुए हमले के बाद विरोधी गुटों ने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना, ये एक मुंह बोलती तस्वीर है कि पंजाब में अगर नामदारी सेक्ट के हेड जो है, जो लाखों लोगों के हेड है, अगर उनकी जो टॉप फैमिली है उनकी माता जी पर गोलियां चल सकती हैं और उनकी जान सुरक्षित नहीं है, तो इधर जिनका बेचारों के पास कोई प्रबंध ही नहीं, उनकी जान का क्या हाल है जी। ये पता लगा, ये मतलब विश्वास नहीं भी उनके ऊपर ये ऐसी बात हो सकती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत गंभीर जो है विचार है गवर्नमेंट लेवल पे, और स्टेट मशीनरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एजेंसीज हैं, उनको करनी पड़ेगी भी कहाँ उनकी चूक हो रही है, कोई कहाँ उनको इन्फॉर्मेशन की चूक हो रही है, कहाँ उनके जो नीचे नेटवर्क है वो कहाँ फेल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की सियासत का रुख करते हैं। अमृतसर से बीजेपी विधायक और पंजाब सरकार में सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू ने यू टर्न ले लिया है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर फैसला ले चुकी है, लिहाजा अब पार्टी और गठबंधन को लेकर वो कुछ नहीं बोलेंगी। पर अब जब डिसीजन हो गया एक बार कि इकट्ठे रहने, तो अब बोलना बनता ही नहीं था कि अगेंस्ट अलायंस के खिलाफ। मैडम नवजोत कौर सिद्धू का ये बयान बताने के लिए काफी है कि उनके बगावती सुर ठंडे हो चुके हैं, अब वो चुपचाप अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए काम करते रहेंगी। मैडम सिद्धू के फेसबुक पोस्ट से गरमाया मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचा था, जहां सिद्धू दंपति ने संगठन मंत्री रामलाल के साथ मुलाकात की और विकास के लिए फंड अलॉट न किए जाने का दर्द बयां किया। हालांकि हाईकमान के दखल के बाद मैडम सिद्धू ने नरम रुख अख्तियार कर लिया है, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर वो अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। साथ ही मैडम सिद्धू ने किसी और पार्टी का पल्ला ना पकड़ने की बात भी कही। मैंने आपको पहले बोला है, इस परिवार को कभी कुछ भी नहीं चाहिए पार्टी से, और ना पार्टी के खिलाफ कहीं जाके ना किसी और पार्टी से बात की है, काम सिर्फ बात और लड़ाई काम की है। सो आगे की चॉइस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अलायंस की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ूंगी। पंजाब से रूट कर दिल्ली जाकर मान जाने की प्रक्रिया सिद्धू दंपति की ओर से अपनाई जा रही है। नवजोत कौर सिद्धू हर बार कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों के साथ होती जोर जबरदस्ती का तौखला बयां कर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती रही हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उनका गुस्सा शांत हो जाता है। बड़ा सवाल ये है कि अगर पंजाब का हर मसला बीजेपी हाईकमान हल कर रही है, तो क्या बीजेपी के नेताओं का अपनी प्रदेश लीडरशिप में यकीन कम होता जा रहा है? और ये संकेत भी मिल रहे हैं कि प्रदेश के बीजेपी नेताओं की ओर से बार बार सरकार की ओर से अनदेखी किए जाने की चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं नहीं है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिद्धू दंपति की पंजाब सरकार के साथ चल रही तूतू मैमे पर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल सिद्धू को अपनी बेटी बताकर मामले को शांत करते नजर आए, तो कांग्रेसी नेता सिद्धू दंपति को बीजेपी को अलविदा कहने की नसीहत दे रहे हैं। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू अब शांत हैं। बीजेपी के अकाली दल के साथ गठबंधन से खफा मिसेस सिद्धू लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठाती रही हैं, और लगता है बीजेपी आला कमान ने भी मिसेस सिद्धू के बयानों को संजीदगी से लिया ही नहीं, या फिर मिसेस सिद्धू किसी छुपे हुए एजेंडे के तहत गठबंधन पार्टी को आंखें दिखाती रही। लेकिन अब इस्तीफे की उड़ी अफवाह के बाद केंद्र से मिली थपथपी के साथ मिसेस सिद्धू ने यू टर्न लिया है, तो सुख की सांस कुछ हद तक अकाली दल ने भी ली। लेकिन कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा सिद्धू दंपति को पार्टी छोड़ देने की सलाह जरूर दे रहे हैं। बच्चियां वांगू पहना वांगू दा सत्कार कर दिए ते कर दा रहा। अभी अपील करूंगा, बहुत टाइम आप छोड़ो इन, अब छोड़ो और बाहर निकलो, और इनको अब जब आपने सभी कुछ कह ही दिया अकाली दल के बारे में, आपने सही चिट्ठा इनका सामने ले आए हो लोगों के, अब लोग भी समझते हैं कि अब हर रोज बयान देने के बजाय आप बाहर निकलो, इस्तीफा दो, सरकार से भी इस्तीफा और बाहर आओ। एक और सीनियर लीडरशिप गठबंधन अकाली दल के दरमियान नाखून मांस का रिश्ता निभाती रही,
तो नवजोत कौर सिद्धू अपने क्षेत्र की अनदेखी के बहाने गठबंधन सरकार को घेरती रही। अकाली दल के साथ गठबंधन पर चर्चा और पार्टी छोड़ना भी सुर्खियों में रहा, लेकिन फिलहाल मिसेज सिद्धू शांत हैं। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर और पठानकोट से अजय महाजन के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।